जब हम पहला मेयर का चुनाव होता है, पीटरसीन अधिकारी कहती है कि फोन नहीं अलाउड होंगे, साथ में इनके लीडर ऑपोजिशन उठ के कहते हैं, इनके लीडर ऑफ हाउस उठ के कहते हैं कि जी नहीं, फोन के साथ साथ पेंस भी नहीं अलाउड होंगे। उसके बाद मेयर का चुनाव होता है, डिप्टी मेयर का चुनाव होता है, और जैसे ही मेयर महोदय स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव कराती है तो वो एकदम बोलती है फोन अलाउड है। हम प्रोटेस्ट करते हैं, 50 लोगों की वोटिंग हो जाती है और 50 लोगों के बाद वो ये हमें कहती है, हाँ मेरे को अपनी गलती रियलाइज हो गई है, अब फोन अलाउड नहीं है। जब वो ये कहती है, हम कहते हैं मैम आपकी गलती है, आप रियलाइज कर रहे हैं, तो 50 वोट भी क्यों पड़ेंगे? वो 50 वोट वैलिड नहीं है, दे आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल। जब हम ये कहते हैं, वो लोग हमें मारते हैं, भगाते हैं और ज़बरदस्ती वोटिंग कराने की कोशिश करते हैं। जब हम उसी के आधार पर आज हम यहाँ बैठे हैं, हमारी दो डिमांड है, बहुत सिंपल है। वोटिंग दोबारा वन से स्टार्ट होनी चाहिए, जो पहले 50 वोट है वो कैंसिल हो जानी चाहिए, रद्द हो जाने चाहिए। और दूसरा कि कोई भी फोन या पेन वोटिंग में अलाउड नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सीक्रेट वोटिंग है, इसको सीक्रेट रहनी चाहिए। मैम ऐसा कहीं ना था, म्यूट नहीं होता फोन को, यूज और अलाउड नहीं होता है। ये कौन से इनके मैम वकील है, कहाँ किस कानून में लिखा है? इनको बोलिए कि वकील कानून की भाषा यूज करते हैं, मेरे को वो बुक, क्योंकि मैं खुद एक एडवोकेट हूँ। ऐसा कौन सी बुक है, ऐसा कौन सा कानून है, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन का लॉ है जो ये कहता है वोटिंग करते हुए फोन अलाउड है लेकिन वो म्यूट होना चाहिए? मेरे हिसाब से नहीं है। जी बिल्कुल, क्योंकि जो इन्होंने दो एक सदन में दो कानून कैसे चलेंगे, मेयर के चुनाव में कोई मोबाइल पैन अलाउ नहीं, डिप्टी मेयर के चुनाव में कोई पैन मोबाइल अलाउ नहीं, क्योंकि इनके स्टैंड डिप्टी मेयर के चुनाव में करीब 5-6 पार्षद इनके गड़बड़ कर गए थे, यानी कि वो चेंज हो गए थे, अपनी पार्टी को उन्होंने वोट नहीं दिया था, उसकी डर की वजह से उन्होंने स्टैंडिंग कमेटी में अलाउ कर दिया कि आप फोटो भी खींच सकते हैं। जब हमने उसका विरोध किया, उस जल्दबाजी में उन्होंने 20-30 भी वोट डलवा सके डलवाए। उसके बाद में हम बार बार डिमांड उनकी ये कर रहे हैं, जब मेयर में डिप्टी मेयर में फोन या पैन अलाउ नहीं था, इसमें भी नहीं होना चाहिए। साथ साथ में क्या करती हैं ये, 15 मिनट का स्थगित करती हैं हाउस और एक एक 1.5 घंटे बाद आती हैं, मतलब एक बात में केवल अड़ी हुई है इसी बात में केवल कि मैं कराऊंगी, इससे आगे ही कराऊंगी, नहीं तो नहीं कराऊंगी। मोबाइल अलाउ होगा तो डिप्टी मेयर का चुनाव हुआ था, इन्हीं मेयर साहब ने कराया, उसने मैडम ने कराया था, तब कहाँ जानकारी गई थी इनको? यदि मेयर का चुनाव लड़ा, मेयर चुनाव जीती हैं ये, तो भाई कहाँ जानकारी चली गई थी? मेयर डिप्टी मेयर चुनाव में तो मोबाइल अलाउ नहीं था, स्टैंडिंग कमेटी में मेरा अलाउ हो गया, आखिर क्यों? जानकारी नहीं थी और फिर उन्होंने माना, चलो मोबाइल नहीं अलाउ करूंगी, माना भी उन्होंने फिर अपनी गलती, तो क्यों गलती मानी है? अब कह रहे मैंने वकीलों से पूछ लिया है। इतनी अज्ञानता यदि मेयर को है, वो हाउस नहीं चलने दे रहे, हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, हमें इसकी जिम्मेदारी को लेनी पड़ेगी अपने ऊपर। हाँ, एक नंबर से दोबारा स्टार्ट किया जाए, जिसकी रिकॉर्डिंग हुई है वो रिकॉर्डिंग निरस्त की जाए, नए सिरे से शुरू की जाए। लगातार मेयर, हमें पूरी रात हो गई बात करते करते, वो जिद्दी किस्म की है कि मैं तो चुनाव इससे आगे कराऊंगी। हमारा कहना ये है, जब एक ही हाउस में नियम बना दिया, उन्होंने खुद ने बनाया है कि मोबाइल और पैन अलाउ नहीं है, स्टैंडिंग कमेटी में कहां से फिर अलाउ हो गया? या तो शुरू से अलाउ होता या फिर कभी भी अलाउ नहीं होता। ये हमारी लड़ाई है। उन्होंने बोला कि वकीलों से पूछा है, वकीलों ने उनके वकीलों ने पूछा है। देखिए, इसके पीछे उनको एक ही शंका है, क्योंकि मेयर के इलेक्शन में क्रॉस वोटिंग हुई, 3 वोट हमें ज्यादा मिले, उनको डर है कि शायद स्टैंडिंग में इससे ज्यादा न चले जाएं, अपने पार्षदों पर भरोसा नहीं, इसीलिए कहा कि मोबाइल अंदर जाना अलाउ करना चाहिए, क्योंकि उनके पार्षद फोटो खींच करके अंदर से ला रहे थे बैलेट की वोट करने के बाद। हमने ऑब्जेक्शन किया कि सीक्रेसी रखने के लिए बैलेट की आपको मोबाइल अलाउ मत करिए, जैसा कि आपने मेयर और डिप्टी मेयर के इलेक्शन में खुद किया था।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।